भिवाड़ी के सैदपुर में रविवार को शहीद निखिल दायमा को अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में शहीद हुए निखिल की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव सैदपुर पहुंची। यहां निखिल अमर रहे और भारत माता के जयकारे गूंज उठे। वहीं डीटीओ ऑफिस के पास निर्धारित स्थान पर अंत्येष्टि की गई, जहां जाबाज निखिल का स्मारक बनवाया जाएगा। मुखाग्नि उनके छोटे भाई चंदन ने दी। इस मौके पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ सहित विधायक संजय शर्मा, संदीप यादव और शकुंतला रावत सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। शहीद निखिल के दादा सुबेदार मन्ने राम ने गर्व से अपने पोते की शहादत को याद किया। निखिल दायमा अपने यूनिट में ड्यूटी करते हुए दुश्मन के फायर से गोली लगने के बाद घायल हो गए। वहीं अंदाजपुर खत्म हो। कब की यह घटना, कितने तारीख की घटना है? घटना तो डेट मुझे थोड़ी कंफर्म नहीं, 29 तारीख को घटना हुई और उस दिन वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो। बाकी और जो भी घटना, भगवान की आत्मा को शांति दे। पूरी फौज, पूरी आर्मी, तो सब दुखे जवान का और यहाँ भी सभी ने, पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा खड़ा हुआ है, तो सबको दुख है। ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं, आप भी फौज में रहे हो, आर्मी में रहे हो, कैसा लगता है आज आपका नाम कितना रोशन हो किया है या आपसे कितने ऊंचे हो गए निखिल? मेरा नाम बहुत ज़्यादा रोशन हो गया क्योंकि मेरे फौज तो कम से कम मैं कैसे काम नहीं आया तो मेरे फौज तो आया, इतना मेरा नाम ऊँचा। बाबा आप भी आर्मी से ही हैं? मैं रिटायर सुल्तान मेजर। कोई ऐसा लम्हा बाबा बचपन का उसका निखिल का जो उसने साझा किया आपसे कि वो स्टार्टिंग से उसमें जुनून था आर्मी में जाने का या कुछ और बनने का उसका? उसका जुनून कुछ नहीं, तो हमारे पास तो बहुत कम रहे, वो अपनी बुआ के पास ज़्यादा रहे, मतलब वहीं छोटा सा ही उसकी मम्मी की चुकी दूध नहीं था, इसलिए वो उसी बुआ उसको ले गई। बाबा देश के काम आना कितनी बड़ी बात मानते हैं आप, कैसा लगता है? बहुत बड़ी बात मानते हैं, शहादत एक बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, एक दुख भी है कि हमारा निखिल आज हमारे बीच नहीं है, एक खुशी भी है कि वो हमारे देश के काम आया, ऐसे माहौल में कैसा लगता है? दुख इसलिए एक बेटे के नाते, खुशी इसलिए एक देश के काम आया, मतलब दोनों मायने बराबर चल रहे हैं। और भी गांव में युवा हैं जो फौज में जाने के लिए लाला जी थे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए एक प्रेरणा है कि आप अपनी मेहनत करो, फौज में जाओ, देश सेवा करो। अभी बाबा निकल तो लगभग कितनी तारीख को छुट्टी काट के गया था और वापसी आने में क्या बोल के गया था कि मैं वापसी आके ये काम करूंगा? उसको एक महीने की छुट्टी आया 9 दिसंबर को जी, तो 9 जनवरी को वो गए यहाँ से, तो वहाँ पर फ्लाइट बंद थी, मतलब बर्फ ज़्यादा पड़ रही थी उसकी वजह से। उसके बाद वो रात में 10:30 बजे आया, बोले बाबा मैं वापस आ गया, किस लिए? बोले फ्लाइट कैंसिल हो गई। ठीक है, दूसरी आएगी, टाइम दियो। बोले हाँ 13 तारीख दियो। बोले ठीक है, 13 तारीख चली जाओ। बस मेरे को इतना बोलो बाबा मेरी शादी की हाँ नहीं करना और मेरे उससे कोई वादा नहीं है ना उसको, तब ये मतलब मेरी शादी नहीं करना, मैं अफसर बनूंगा बस। मतलब अफसर कुछ मतलब बड़ा बनने का जुनून था, कुछ कर दिखाने का जुनून? हाँ, जुनून था उसका। आज कुछ बहुत ज़्यादा चोरी होती है, इतना बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर दिया कि शायद इन तीनों गाँव मेरे ऊपर कोई नहीं है। शहादत उसने देश के लिए दी है, शहादत देश के लिए दी है और अपने क्षेत्र के लिए। सबसे कम उम्र का ये बच्चा था, कितनी उम्र हुई उसकी? 19.5 साल। 19.5 साल की उम्र में, तो इसका मतलब 18.5 के आसपास वो ज्वाइनिंग कर ली थी उसने। तो बाबा ऐसी कोई बात किया था आपसे, कुछ वादा करके गया, क्योंकि चूंकि छोटा बच्चा था आपका, पोता था, लाडला था, कुछ ऐसी चीज की वापसी आके मुझे दादा ये काम करना है? उसकी एक ही जिद थी और उसे पता था कि बाबा के पास रिश्ते वाले बहुत आ रहे हैं,
तो उसकी है कि जीती बाबा मैं रिश्ता नहीं लेना, मैं अफसर बनना है।